शुगर का इलाज कल नहीं आज। शुगर के मरीजों के लिए मीठी मीठी सी खुशखबरी। शुगर के वो मरीज जो जगह जगह से इलाज करवाकर तंग आ चुके हैं, वो एक दफा हमसे राब्ता करें और अपने लबलबे का मुकम्मल इलाज करवाएं। शुगर केयर कोर्स, अमराज़े मेता, जोड़ों का दर्द, जर्द रंगत, ज़ियाबतीस, बार बार पेशाब का आना, जल्दी अमराज़ का मुस्तकिल खात्मा करता है। लबलबे का इलाज खालस देसी जड़ी बूटियों से ही मुमकिन है। इंशाल्लाह इस दवा से आप मायूस नहीं होंगे। कीमत सिर्फ 1600 रुपए। घर बैठे मेडिसिन मंगवाने के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। फारबिसगंज में NH57 पर रामपुर ओवर ब्रिज के निकट सड़क दुर्घटना में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इंडिगो कार में गाड़ी खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। सभी एक ही परिवार के गोरखपुर से जा रहे थे बंगाल। फारबिसगंज में NH57 पर आबिद आबू के पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की दोपहर एक खड़ी ट्रक के कार ने अनियंत्रित होकर पीछे से मारी टक्कर। एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल है। सभी एक ही परिवार के हैं। गौरखपुर से बंगाल स्थित चाय बागान जा रहे थे। मृतक चोरा चोरी गांव निवासी कार WB74AS6582 ट्रक संख्या HR56/7359 में जा रहा टकराया था। कार के उग्र दाहिने भाग के परखच्चे उड़े। मृतक सरस्वती पुर चाय बगाल में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। घायलों में गायत्री देवी, किरण पांडे, सत्यम पांडे को प्राथमिक उपचार उपरांत गंभीर हालत में बेहद बेहतर इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों में घटना की जानकारी देने व आवश्यक कार्रवाई में फारबिसगंज पुलिस जुट गई है। प्राइम 80 न्यूज के लिए RIS सुमन कुमार की रिपोर्ट।